बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कैसे कर सकते हैं कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कैसे कवर करके अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं तो कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है जिससे आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाएंगे और अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे तो आइए चलिए देखते हैं वो टिप्स क्या हैं। तो सबसे पहले आप जब भी पढ़ाई करें तो सबसे पहले तो आपको अपना स्टडी शेड्यूल जो है वो बनाना है अब स्टडी शेड्यूल जो है आपको बनाना है वो किस हिसाब से बनाना है सबसे पहले तो आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं तो अगर आप ट्वेल्थ की बात करें तो आपको ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इम्पोर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफाई करना है फिर उसमें से आपको देखना है कि कौन से टॉपिक डिफिकल्ट हैं जो ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएंगे आपके लिए और कौन से टॉपिक जो है ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं ऐसे ही अगर आप जेई के लिए देखें तो आपको जेई के अकॉर्डिंग जो है आपके चैप्टर्स टॉपिक डिफिकल्टी लेवल कौन से से टॉपिक ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं हैं कौन चैप्टर्स है, इजी वो सब पहले आपको आइडेंटिफाई करने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी प्लानर बनाना है तो इजी चैप्टर जो है और जो ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं उनको सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है क्योंकि जो इजी चैप्टर होंगे वो टाइम कम लेंगे और आपका एक पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि चलो कुछ तो चीज है कुछ तो चैप्टर्स हैं जो मेरे कंप्लीट हो गए तो सबसे पहले आप ज्यादा वेटेज के इजी चैप्टर्स को लीजिए पढ़िए तो ऐसे आप प्रायोरिटी सेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना शेड्यूल प्रिपेयर कीजिए और उसको फॉलो कीजिए फिर हमारे जो पीवाई क्यूज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से आपको चैप्टर वाइज टॉपिक जो है आइडेंटिफाई करने है उनको प्रैक्टिस करना है जितना ज्यादा आप पीवाई क्यूज प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्या होता है आपका एग्जाम पैटर्न जो है आपको क्लियर होता है कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस टॉपिक का ज्यादा वेटेज है ये सारी जो चीजें होती है वो पीवाई क्यू सॉल्व करने से आपको पता पड़ जाती है तो पीवाई क्यू आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करने हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है तो पीवाई क्यूज आपको वाइज सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस करने हैं ठीक है जीके? उसके बाद आपको लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ना है आप बहुत सारी बुक्स रिफर करते हैं तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा हो जाता है तो बहुत सारी बुक्स रिफर नहीं करनी है आपको लिमिटेड बुक्स ही रिफर करनी है जैसे कि फिजिक्स के लिए एच सी वर्मा आपने रिफर कर ली एनसीईआरटी बुक रिफर कर ली पीवाई क्यूज कर लिए सैंपल पेपर्स कर लिए इतना सफिशेंट हो जाएगा उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए बहुत सारी बुक रिफर करने से बस टाइम वेस्ट होता है हमें सिर्फ और सिर्फ जो है स्पेसिफिक पढ़ाई करनी है कि ट्वेल्थ के लिए अगर हमें पढ़ना है तो ट्वेल्थ जो है एनसीआर से हो जाएगा और अगर आपको जेई के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आपको एच सी वर्मा एनसीआर और मॉक टेस्ट से से आप आराम से अच्छे स्कोर कर सकते हैं आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है आपको बहुत सारी बुक्स रेफर नहीं करनी है ठीक है उसके बाद जब भी कोई चीज हम पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा टाइम लगता है उसको पढ़ने में समझने में और वो बहुत टाइम तक हमारे माइंड में सेट भी नहीं होता है पर वही अगर टॉपिक हम देख लेते हैं और सुनते हैं तो वो चीज जो होती है हमारे ब्रेन में बहुत टाइम के लिए जो है है सेट हो जाता हम बहुत लॉन्ग टर्म के बाद भी उसको रिकॉल कर पाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जब भी पढ़ें तो उस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस देख लें या वन शॉट देख लें जिससे कि वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा आप बहुत अच्छे से समझ भी लेंगे और कम टाइम में आप समझ के ज्यादा टाइम के लिए उसको अपने ब्रेन में सेट कर पाएंगे तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप वीडियो से पढ़े है? फिर उसके बाद जब भी आप पढ़ते हैं उसके बाद आप उसको लिखें राइटिंग से क्या होता है हमारे हैंड एक्टिव होते हैं और हैंड एक्टिव होने से क्या होता है कि जब हम एक्टिवली लर्न करते हैं कोई भी चीज तो हम उसको बाद में बहुत इजीली रिकॉल कर पाते हैं सिर्फ पढ़ने से क्या होता है कुछ टाइम बाद वो टॉपिक भूल जाते हैं पर हम उसको रिकॉल करते हैं लिखते हैं तो फिर वो टॉपिक जो है हमारे ब्रेन में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सेट हो जाता है तो एग्जाम टाइम पे हम आराम से उसको रिकॉल कर पाते हैं तो आप उसको रिकॉल करके जरूर लिखें ठीक है फिर ज्यादा से ज्यादा आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, है ये कम वेटेज लेता है ये ज्यादा वेटेज कैरी करता है ये सारे चीजें जो है हमें सैंपल पेपर में से क्लियर हो जाती है तो आप ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर जो है सॉल्व कीजिए जेई की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए तो आपको आपके जो वीक एरियाज है वो भी पता पड़ जाते हैं और आप टाइम मैनेजमेंट करना भी सीख जाते हैं सबसे मेन जो होता है यहाँ पे डेडलाइन सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत जरूरी होता है तो जब भी आप पढ़ते हैं तो किसी भी टॉपिक को ऐसा नहीं कि पूरे दिन पढ़ लिया आज ये टॉपिक आपने उठाया टॉपिक वन को फर्स्ट टॉपिक को मुझे दो घंटे में कंप्लीट करना है फिर सेकंड टॉपिक को मुझे एक घंटे में कंप्लीट करना है ये जो है मुझे मैथ्स का टॉपिक है तो मुझे इसको दो घंटे में करना है फिर उसके बाद केमिस्ट्री मुझे एक घंटे पढ़ना है तो ये डेडलाइन सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप डेडलाइन सेट करके नहीं पढ़ेंगे तो दिन भर आप एक ही टॉपिक एक ही चैप्टर लेके बैठे रहेंगे और कुछ भी खत्म नहीं होगा तो हमेशा जब भी पढ़ें तो आप डेडलाइन जरूर सेट करें कि भाई मुझे दो घंटे में अपना ये टॉपिक कंप्लीट करना ही है तभी जाके वो टॉपिक कंप्लीट होगा डेडलाइन सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ठीक है उसके बाद शॉर्ट टर्म गोल बना कि इस दिन मुझे जैसे कि मंडे को इतना पढ़ना है ठीक है मुझे तीन चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं एक बड़ा चैप्टर हो सकता है दो छोटे चैप्टर हो सकता है ऐसे आप गोल सेट कर लीजिए छोटे छोटे गोल बनाते हैं तो वो इजीली अचीव हो जाते हैं लॉन्ग टर्म के गोल बनाते हैं तो थोड़ा हमें लगता है कि वास्ट सिलेबस है बहुत सारे चैप्टर्स हैं बहुत बड़ा सिलेबस है इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो हमारे अंदर क्या हो जाता है डर आ जाता है पर अगर उसको हम चंक्स में बांट लेते हैं तो हम उसको ईजिली कवर कर लेते हैं क्योंकि हमें वो छोटी छोटी चीजें दिख रही होती है तो हम छोटा छोटा करते करते पूरा कवर कर लेते हैं तो सिलेबस को चंक्स में बांट आप पढ़े तो आप डेफिनेटली अपना सिलेबस इजीली कंप्लीट कर लेंगे और कम टाइम में कंप्लीट कर लेंगे ठीक है और जब भी आप पढ़ते हैं कोई डाउट आ रहा है तो आपको अपने टीचर से तब के तभी क्लियर करना है कोई भी बैकलॉग क्रिएट होने नहीं देना है तो इससे आराम से क्या होता है जब तब के तब कोई भी टॉपिक क्लियर हो जाता है तो बाद के लिए कुछ भी आपके पास नहीं बचता है और वो साथ के साथ कंप्लीट होता चला जाता है जब भी पढ़े टेबल चेयर पे पढ़े डिस्ट्रैक्शन फ्री एरिया में पढ़े Surround yourself with the important notes and charts, जो आप पे पढ़ते हैं वहां पे surrounding होनी चाहिए वहां पे होनी चाहिए जिससे क्या होता है आप easily उसको देखते रहते हैं easily आप जब देखते हैं तो क्या होता है कि आप उसको रिकॉल करते हैं बीच में पढ़ लेते हैं तो वो आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से, से सेट होता जाता है आप रिवाइज करते रहते हैं चलते फिरते उसको उसके बाद जो टफ टॉपिक्स होते हैं उनके फ्लैश कार्ड बना लें जिससे कि क्या होगा कि जब आप इधर उधर जाएंगे तो भी अपने फ्लैश कार्ड आपने कैरी कर लिए उस उसपे क्वेश्चन लिखे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए फिर पीछे आंसर लिखा है तो आप उसको मैच करके देख लीजिए तो इससे आपका रिविजन होता रहेगा उसके बाद जब आप पढ़ते हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाइए प्रॉपर नोट बनाने से क्या होता है कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे तो आप जब अपने नोट्स रिफर करते हैं तो वही चीज जो दो घंटे में होने वाली होती है वो हमारी जो होती है हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाती है कॉमलेस जो है बहुत ईजिली रिकॉल हो जाते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फटाफट हमारे ब्रेन में आ जाते हैं ये शॉर्ट नोट्स बनाने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं तो जब भी आप पढ़ें तो शॉर्ट नोट्स बना लें क्योंकि वो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनाते हैं अपनी हैंड रिटन नोट्स होते हैं तो हमारे लिए वो रिफर करना बहुत ईजी हो जाता है तो आप ये ट्रिक जरूर फॉलो कीजिए डेफिनेटली कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाएंगे तो सबसे पहले यह है कि अगर आप प्लानिंग से चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे तो आप कम टाइम में आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू